नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। गौतम बुद्ध नगर जिले के जहांगीरपुर कस्बे के समीपवर्ती गांव मोहबलीपुर में गांव में किए गए विकास कार्यों को लेकर कुछ ग्रामवासियों ने ग्राम प्रधान के कार्यों पर सवाल उठाए हैं, जिसमें गांव में नाली न बनाए जाने एवं जल विभाग को लेकर लोगों ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाए हैं। ये गांव का रास्ता है जिससे गांव के जो किसान हैं उनकी बुग्गियां हो गई, ट्रैक्टर हो गए, वो निकाले जाते हैं। इस रास्ते को भी हम आपको दिखाएंगे। ये रास्ता गांव के बाहर निकल रहा है जो किसानों का रास्ता है। यहाँ हर दूसरे घंटे आपको ट्रैक्टर फंसा मिलेगा, किसी की बुग्गी फंसी मिलती है, कोई बेचारा खुद गिर जाता है। जी, द्वारा कार्य किया गया है, किस तरह का कार्य हुआ है? बिल्कुल गलत काम है। कैसा काम है, क्या क्या हुआ है? ना तो एक भी नाली सही। हाँ जी। और ना एक भी खरंजा सही। हाँ जी। और ना स्कूल में अभी पूरा काम हो रहा। स्कूल में किस तरह का कार्य हुआ था? स्कूल में टेल वेल लगनी ही अभी अब तक लगी ना है। अभी तक नहीं लगी है। और ना को सड़क बनी। हमारे गांव में जो सड़क जो बनी है। हाँ, सड़क तो बनी है। हाँ, लेकिन उनकी जो नाली नहीं बनी है। नाली नहीं बनी वो है। नाली अभी तक नहीं बनी। अच्छा, और वो पानी जो है इधर उधर को फिर रहा है, मारा। अच्छा, अच्छा। रोड पे मतलब जो पानी आ रहा है जी, और मतलब जो है वो पहले जैसी स्थिति है कि फिर भी जो है पैर और वो गंदे वहाँ में पैर सनते हैं। अच्छा, और लैट्रिन वगैरह के पैसे? लैट्रिन के पैसे के जो है किसी को, हमें को तो जो चार भाई हैं, हमें चारों को नहीं मिले। अच्छा, हमने आप ये लैट्रिन देख रहे हैं, 12,000 रुपए जो प्रधान के द्वारा दिए जाने थे, उनमें से प्रधान जी ने किसी को 5,000, किसी को 6,000, किसी को 8,000 इस तरह से पैसे दिए गए थे। यही कारण है कि आज ये लैट्रिन जो है पूरी नहीं बन पाई है। फिर जो इस मोहल्ले का पूरा जो पानी इकट्ठा होके आता है ऐसे इस तरह से, वो गांव का निकास सामने वाले खेत में पानी चला जाता है, इस सामने वाले खेत में। ये गांव की पोखर है जिसे पुलिया बोल देते हैं, इस पुलिया पे भी प्रधान जी ने कब्जा करवा रखा है। किस तरह की नालियां गांव में हैं, और प्रधान जी तो यहां पर रहते भी नहीं हैं गांव में, अपना सब कुछ हड़जम करके है। प्रधान जी मथुरा में निवास करते हैं। भैया, हमारे तो नहीं कही लाला के नेक हमारे दरवाजे पार कर दे, तो हम तो नहीं कह दई के बाद में होगा रास्ता वहाँ तक, और आज तक ना हो भैया। अच्छा, और जो तुम्हारी लैट्रिन बनी है प्रधान जी द्वारा? हाँ बनी। उसमें कितने रुपए प्रधान जी ने लिए थे आपसे, कितने रुपए दिए थे आपको? पक्को ध्यान तो वो ना रहे हो भैया, पर हम पे तो प्रधान जी को ध्यान है, प्रधान जी ने लिए हम पे तो 2,000 रुपए आपसे लिए हैं। इसके अलावा गांव की अन्य समस्याओं को लेकर भी कुछ ग्रामवासी संबंधित अधिकारियों से मिलकर शिकायत कर चुके हैं, और गांव में जल भराव और टूटी फूटी सड़कों एवं नालियां ना होने को लेकर गुहार लगा चुके हैं। अतः सक्षम अधिकारियों से ग्रामवासियों का कहना है कि वह लोगों की इन समस्याओं का निदान कराएं और शीघ्र अतिशीघ्र अटके पड़े इन विकास कार्यों को सम्पन्न कराएं। नीतीश छोकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।